नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह का जो यूनिवर्सल बोर्ड आता है वो किसी भी एलईडी टीवी में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास सैमसंग का 24 इंच एलईडी टीवी है और इसका मदरबोर्ड जो है वो पूरी तरह से जल चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये जो यूनिवर्सल बोर्ड है इसको कैसे सेट करते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और दोस्तों यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मदरबोर्ड का एक आईसी यहाँ का शॉर्ट था और एक आईसी यहाँ का शॉर्ट था जो कि दोनों जो है 5 वोल्ट रेगुलेट करता है। तो ये दोनों आईसी शॉर्ट होने पर भी हमारा ये मदरबोर्ड चालू हो सकता है, इस तरह का कन्वर्टर लगा करके जो है चालू हो सकता है। पर ये दोनों आईसी के साथ साथ में इसका सीपीयू भी शॉर्ट है, ठीक है। तो मैं इसका शॉर्टिंग को चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये पीएफ पे हमारा ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी बताता है और ये क्वाइल पर भी हमारा फुल कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। तो इसके अगल बगल का जितने भी कंपोनेंट है ये छोटे छोटे आईसी वगैरह है सभी को मैंने खोल करके चेक किया। ये दोनों कैपेसिटर जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर को खोल करके चेक किया फिर भी हमारा शॉर्टिंग नहीं हटा। तो इसका मतलब ये है कि ये सीपीयू शॉर्ट होने के वजह से हमारा ग्राउंड के साथ में कंटिन्यूटी मिल रहा है जिसके कारण ये मदरबोर्ड हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आते हैं कि यूनिवर्सल बोर्ड के साथ में क्या क्या हमें मिलता है। तो देख सकते हैं ये बोर्ड के साथ में हमें एक ये कीबोर्ड मिलता है और इसके साथ में एक पैनल मिलता है और एक रिमोट इसके साथ में आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। तो एक LVDS जैक जो है, इस तरह का LVDS जैक हमें अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब जो है ये मदरबोर्ड को कैसे इंस्टॉल करना है इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये जानना है कि ये पैनल हमारा जो है 12 वोल्ट का है या 5 वोल्ट का, ठीक है। तो ये पैनल कितना वोल्ट का ये जानने के लिए आप इसका नेट से भी डेटा शीट मंगा करके जो है देख सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि ये पैनल में हमारा 5 वोल्ट आ रहा है कि 12 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पैनल जो है 12 वोल्ट का है जो कि पैनल मॉडल देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा। तो पैनल के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, किसी भी यूनिवर्सल बोर्ड में यहाँ पे एक जैक होता है जो कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों चेंज करने के लिए रहता है। तो अभी ये 5 वोल्ट में है, जैसा कि मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये एक जैक है और ये फ्यूज के तरह है यानी कि एक जम्फर है ये। तो ये जम्फर को खोलना है इस तरह से और इसको 12 वोल्ट में लगा लेना है इस तरह से। तो ये 12 वोल्ट में लग चुका है हमारा और यदि पैनल 5 वोल्ट का हो तो इसको 5 वोल्ट के साथ में लगाना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है। और इसमें जो है इनपुट हमारा जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। तो 12 वोल्ट आप एडाप्टर से भी दे सकते हैं या इसका जो पावर सप्लाई होता है एलईडी का पावर सप्लाई उससे भी आप दे सकते हैं। तो अभी मैं इसका पावर सप्लाई से ही देने वाला हूँ इसमें, तो बाकी का कनेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों ये जो हमारा रेड कलर का सॉकेट है ये हमारा एलईडी के लिए, यानी कि इससे जो हमारा कनेक्शन एलईडी इन्वर्टर बोर्ड में जाता है। तो एलईडी के लिए इसमें एक अलग सा छोटा सा मॉड्यूल लगा हुआ है, इसके लिए मैं इसमें कोई कनेक्शन नहीं करने वाला हूं। तो और अब जो है साउंड के लिए बच गया, तो ये हमारा एक वाइट कलर का जैक है जो कि इसमें 4 कनेक्शन है, तो 2 ग्राउंड है और एक एल एक आर है, ठीक है। तो आर और ग्राउंड एक चैनल के स्पीकर में चला जाएगा और ग्राउंड और एल एक चैनल के स्पीकर में चला जाएगा, ठीक है। और अब जो है बाकी बचता है LVDS कनेक्शन के लिए। तो LVDS कनेक्शन के लिए जैसा कि देख सकते हैं कि LVDS कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक वाइट कलर का इसमें मार्किंग किया हुआ है और यहाँ पर ये मार्किंग किया हुआ है, तो इसको इस तरह से लगाना है ये जैक को। और दोस्तों ये जैक को लगाने के बाद में इसका कनेक्शन भी उलट फेर करना पड़ सकता है पैनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा सप्लाई हमें पैनल में चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो है इसका ये जैक को आगे पीछे करना पड़ सकता है। इधर दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा LVDS कनेक्टर जो है वो इस टाइप का है और ये जो हमारा टिकोन बोर्ड में जैक लगा हुआ है ये हमारा रिबन वाला सॉकेट है, तो इसमें ये जैक जो है नहीं लगेगा, तो इसके लिए इसको कटिंग करना पड़ेगा। और इसको कटिंग करने के बाद में ये वायर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, सोल्डिंग कर सकते हैं, या तो फिर ये रिबन पर जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये रिबन को यहाँ पे लगाने के बाद में, ये रिबन को इस तरह से लगाने के बाद में यहाँ पे इसका कनेक्शन को आप कटिंग करके इसका सिग्नल को मिला करके कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जैक पर हमारा सारा सिग्नल का नाम लिखा हुआ है
और ये हमारा पैनल में कहाँ पे कौन सा कनेक्शन जाएगा इसके लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बारीकी से मैं आपको समझा नहीं सकूंगा इस वीडियो में। तो अभी मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि LVDS का कनेक्शन मैं यहाँ पर कर लिया हूँ, और ये हमारा जैक जो है ये मदरबोर्ड में लगा हुआ है, और ये हमारा पैनल का जैक है, और इसमें हम AV का सॉकेट जो लगा लिया हूँ, और इसमें से हमारा इनपुट सप्लाई जो आया हुआ है। तो स्पीकर का कनेक्शन अभी मैं इसमें नहीं किया हूँ, अभी मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन दे के चेक कर लेते हैं। तो चलिए LED में मैं लाइन दे चुका हूँ, और अब जो है इसको हम ऊपर की तरफ उठाते हैं और चेक करते हैं। तो अब जो है देख सकते हैं इसका LED ग्लो हो चुका है, और अब जो है इसको स्टैंड बाई से रिलीज करना है। तो देख सकते हैं ये स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है, और अब जो इसका डिस्प्ले देखते हैं तो देख सकते हैं डिस्प्ले में पिक्चर भी हमारा आ चुका है। तो दोस्तों अब ये जो बोर्ड है मदरबोर्ड, इसको जो है बाहर के बॉडी में फिटिंग करना है, तो वो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में इसका LVDS कनेक्शन पर डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि यहां पे इसका कनेक्शन कैसे कैसे करना है, इसको कैसे मिलाना है दोनों सप्लाई को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।